हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको नए जगह पर ले जाऊंगा, नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, नए जगह में घूमने के लिए। दोस्तों ये रांची है और हम जा रहे हैं एक झरने की ओर। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉल पाए जाते हैं, जैसे कुंडू फॉल, दसम फॉल, चौराहा फॉल। बिना सस्पेंस क्रिएट किए मैं आपको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ दसम फॉल जो कि रांची टाटा हाईवे के किनारे में है, लेकिन मैं उस रूट से नहीं जा रहा हूँ, मैं अलग एक शॉर्टकट है, मैं उसी रूट से होते हुए जा रहा हूँ। और ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। संडे का दिन है और काफ़ी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बसेस यहाँ लगे हुए, कार्स लगे हुए हैं और बहुत सारे बस तो वेस्ट बंगाल से भी आते हैं यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगता है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, खूबसूरत सा मौसम था। आप देख सकते हैं आसपास के लोग यहाँ पेर, मटर, बादाम ये सब बिक्री करते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे आते हैं। और यहाँ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे उतरने के लिए। मैं आपको फॉल का दृश्य दिखाता हूँ, देखिए ये फॉल है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर के लगभग है और ये कांची नदी, इस नदी का नाम कांची नदी है और जनवरी फरवरी में काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और हर संडे यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है क्योंकि संडे के दिन लोगों को फुर्सत मिलता है, संडे को टाइम निकाल पाते हैं घूमने के लिए आसपास के लोग, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, लोग यहाँ पर आ जाते हैं, आधा घंटा एक घंटा लगता है। दोस्तों यहाँ पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे आप होते हुए फॉल की तरफ जा सकते हैं। और ये काफ़ी ऊँचा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं है, फिर भी इसकी हाइट काफ़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गांव के लोग हैं, बांस की बनी हुई हैंडीक्राफ्ट, बांस का बना हुआ ये बिक्री करते हैं और ये काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी सुंदर भी लगता है, आप इसे खरीद सकते हैं 100 रुपये 120 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा, आप एक यादगारी के रूप में इसको ले सकते हैं अपने साथ। और इस तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है, काफ़ी पथरीला जगह है और इसलिए आप जब भी वहाँ पर जाए बड़ी सावधानी के साथ चले, एक अच्छा शूज़ होना चाहिए आपके साथ और अगर आप अपने शूज़ खोल दें तो ही ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि बिना शूज़ के आप बैलेंस अच्छा बना पाएंगे। दोस्तों कुछ जनरल नॉलेज की बातों को मैं आपको बता दूँ, इस जगह का नाम दसम पड़ा एक्चुअली मुंडा लैंग्वेज जो कि यहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज है उसके दो शब्दों से मिलकर के, दा और सोम। दा का मतलब होता है पानी और सोम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ पोरिंग, मतलब पानी गिरने की जो प्रक्रिया है उसको सोम बोलते हैं मुंडा लैंग्वेज में। तो इन्हीं दो शब्दों को मिला करके इस जगह का नाम दसम पड़ा है। दोस्तों ये जगह जितने सुंदर होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। पहले तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती थी जब हर साल लोग यहाँ पर डूब जाया करते थे, लेकिन अभी इस तरह की इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो गई हैं जब से यहाँ पर वॉलंटियर्स लगाए गए हैं और सुरक्षा के पैमाने बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों वैसे तो इस फॉल का हाइट काफ़ी है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने जो मोबाइल से वीडियो बनाया है इसमें लग रहा है कि ये काफ़ी कम हाइट का है, लेकिन इसका हाइट काफ़ी है। और पहले तो लोग इस फॉल के ऊपर की तरफ चले जाया करते थे फोटो खिंचवाने के लिए या घूमने के लिए, अभी तो वहाँ पर जाना मना कर दिया गया है, लोग वहाँ पर होते हैं आपको मना करेंगे, वहाँ जाने नहीं देंगे। दोस्तों जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर ट्राइबल डांस हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो इसे भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए ताकि ये भी एक यादगार बनकर रह जाए हमारे साथ। एक मुंडा ट्राइबल डांस है, तीर धनुष लेकर के डांस कर रहे हैं आप जैसे कि देख सकते हैं, नगाड़े हैं, ढोल है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।